चैप्टर वन द सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका डी पार्ट करेंगे हम। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इससे पहले मैंने आपको तीन वीडियो में ये लेसन सारा समझा रखा है, पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री, तीन वीडियो बना रखे हैं। वो वीडियो आपने अच्छे से देखने हैं, फिर ये क्वेश्चन आंसर जब आप करोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। एक तरह से ये क्वेश्चन आंसर उस लेसन की क्या है, रिविज़न है, जो मैंने आपको पहले करवा रखा है। तो क्वेश्चन वन है, लिस्ट द मेन फैक्टर डैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। वो कौन से फैक्टर हैं, मेन फैक्टर हैं, जिससे सेल की शेप डिटरमाइन होती है। सेल की शेप अलग अलग तरह की होती है, वो क्यों होती है ये बताना है। तो दो फैक्टर हैं, लोकेशन और फंक्शन। लोकेशन और फंक्शन, लोकेशन का मतलब वो सेल कहाँ पर है, और फंक्शन का मतलब उस सेल का काम क्या है, कार्य क्या है। तो यही दो फैक्टर हैं जो उसकी शेप को डिटरमाइन करते हैं। तो आप लिखोगे द लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। टिश्यू में वो सेल कहाँ पर हैं, तो वो उसको डिटरमाइन करेंगे, आर द मेन फैक्टर डैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल। फॉर एग्जांपल क्या होता है, नर्व सेल जो होती है, देखो नर्व सेल क्या होती है, ये फाइबर लाइक होती है और लॉन्ग होती है, क्योंकि नर्व सेल ने क्या करना है, जितने भी सिग्नल हैं, ठीक है, जितने भी ब्रेन हमारा सिग्नल देता है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुँचाना है, इसलिए लंबी होती है और फाइबर लाइक होती है। देखो ये मसल सेल है, ये स्मूथ होती है क्योंकि हमें हिलना डुलना होता है मसल्स को, ठीक है। ये फैट सेल है, ये लीवर सेल है, तो अलग अलग शेप होती है सेल की। किस पे डिपेंड करती है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है और उसके लोकेशन पे डिपेंड करती है। तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए नर्व सेल हैज टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्सिस टू ऑर्गन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हेंस दे पोजेसेस ए लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है डिटरमाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। हमने बताना है, बिल्कुल आसान है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये लाइन लिख देंगे कि भाई यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, इसमें सिर्फ वन सेल होती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। दो डिफरेंस तो ये हैं इसके मेन। तो आप लिख सकते हो ये लाइन, आप पहले लिख सकते हो, फिर इसके बाद लिखेंगे हम, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। जो सिंगल सेल होती है वही सारे काम करती है, वही खाना इकट्ठा करती है, वही खाना पचाती है, वही सब कुछ करती है, ठीक है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन, क्योंकि वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ सिंगल सेल से ही बना हुआ है। आगे क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, अमीबा और युगलीना। अमीबा और युगलीना क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और वेयर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हैव सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है, डैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये स्पेशल होती हैं, स्पेशल सेल होती हैं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग स्पेशल सेल होती हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कोई विशेष काम करने के लिए, स्पेशल काम करने के लिए ये स्पेशल सेल होती हैं। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमन होगी और एनिमल्स होगी। ह्यूमन्स में क्या होता है, स्पेशल सेल्स होती हैं, जो लीवर की सेल्स होती हैं वो अलग होती हैं, हार्ट की सेल स्पेशल अलग होती हैं, किडनी की अलग होती हैं, और जो हमारी मसल्स में जो, ठीक है, जो हमारे हाथों पैरों में होती हैं, मसल्स में होती हैं, वो अलग होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन है ये, द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमने बताना है कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको हमने बताना है, ये लेसन में हमने कर रखा था, दोबारा से देख लो। सर्टेन बेसिक फंक्शन, जितने भी बेसिक फंक्शन हैं एक ऑर्गेनिज्म में, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय द सेल्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी फंक्शन हैं
हैं वो सभी क्या करती है, सेल ही करती है। दीज फंक्शंस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये जो काम है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। देयर फॉर द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल के बगैर लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि सेल से ही ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, और ऑर्गन हमारे शरीर को चलाते हैं, इसलिए सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, लाइफ की बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड का बी पार्ट है, प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल। जो प्लांट में सेल होती है वो एनिमल सेल से ज्यादा रिजिड, रिजिड का मतलब होता है सख्त, मजबूत, ज्यादा मजबूत कैसे होती है, क्यों होती है भाई, आपको मैंने बताया था प्लांट सेल आर मेड आर मोर रिजिड ड्यू टू सेल वॉल, क्योंकि जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, उसी के कारण ये क्या होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है, प्रेजेंट अराउंड देम, ठीक है, इन कंपैरिजन एनिमल सेल, और जब एनिमल सेल में क्या होता है, हैव ए सेल मेम्ब्रेन, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है एज देयर आउटर कवर, ठीक है, एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और उसको और मजबूती देने के लिए क्या होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, रिजिड हो जाता है। दिस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एनिमल सेल, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी देती है एनिमल सेल को। देयरफॉर प्लांट सेल आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल, ठीक है, इसलिए जो प्लांट सेल हैं वो मोर रिजिड होती हैं एनिमल सेल के, सेल से ज्यादा रिजिड होती है, ज्यादा मजबूत होती हैं। देखो क्योंकि प्लांट्स को इधर उधर मूव करना नहीं होता, और जो एनिमल होते हैं उनको मूव करना पड़ता है, इसलिए जो उनकी सेल होती है वो क्या होती है, आप कह सकते हैं वो फ्लेक्सिबल होती है, एक तरह से लचीलापन होता है उसमें, ताकि वो ऑर्गेनिज्म मूव कर सके। और प्लांट सेल को क्या चाहिए भाई, मजबूती चाहिए, वो एक जगह पर ही रहता है प्लांट, इसलिए उसको मजबूती चाहिए, इसलिए उसमें एक एक्स्ट्रा कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई इज इट सो कॉल्ड। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में जरूर आएगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इसको। तो उसका आंसर है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज, इसको क्यों कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि ये क्या बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ, जितनी भी हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए या फिर सेल को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है सेलुलर रेस्पिरेशन से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। वो कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिसके कारण लीव्स और फ्रूट्स को क्या मिलता है, कलर मिलता है, किसी प्लांट के लीव्स और फ्रूट को क्या मिलता है, कलर मिलता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिड्स। क्या रिस्पॉन्सिबल है, प्लास्टिड्स, दोनों के लिए प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है। और प्लास्टिड्स भी दो तीन तरह के होते हैं, आप उसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसको रंग देता है, लीव्स को कलर देता है, लीव्स हरी क्यों होती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, और क्रोमोप्लास्ट के कारण फ्रूट को रंग मिलता है, फ्रूट को रंग मिलता है, और फ्रूट मतलब जो प्लांट होता है उसके दूसरी जो, जैसे फ्रूट हो गया और फ्लावर हो गया, उसको रंग मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट किसके लिए है, लीव्स के लिए है, लीव्स को हरा रंग देता है, और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, फ्रूट्स को और फ्लावर को, जो प्लांट के दूसरे, लीव्स को छोड़ के प्लांट के जो दूसरे पार्ट हैं उसको कलर देना, तो क्रोमो इसका आंसर आएगा। और ये दोनों क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये दोनों प्लास्टिड्स हैं, और प्लास्टिड सिर्फ
प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, ये भी अब ध्यान रखनी है आपने बात। तो क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट रिस्पेक्टिवली आर द सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट लीव्स को रंग देता है और क्रोमोप्लास्ट फ्रूट को कलर देता है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजेला, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिसिमिलैरिटी बिटवीन द टू ऑफ द बिटवीन टू ऑफ देम। तो इसका आंसर आएगा, सम सेल्स हैव स्मॉल एक्सटेंशन, स्मॉल एक्सटेंशन होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद भी कुछ एक्सटेंशन होती है फालतू, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, दीज आर कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजेला। जो भी एक्सटेंशन, जो भी फालतू चीज होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद भी, जो फालतू चीज होती है, एक्सटेंशन होती है, बड़ी हुई चीज होती है, उसको हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजेला। और सम सेल्स में ही होती है, ये सब में नहीं होती। आपको दिखाता हूं मैं, ये पहले भी दिखाया था मैंने आपको, ये है युगलीना। युगलीना देखो ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री, ठीक है। और ये जो धागा सा देख रहे हो आप, ये जो धागा सा देख रहे हो, इसी को बोलेंगे हम फ्लैजिला। क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। ये इसकी क्या है, एक्सटेंशन है। ऐसी एक पैरामीशियम, ये भी है और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। आप ये देख रहे हो ना, इसके चारों तरफ ये छोटे 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 बाल बाल से ये हेयर टाइप नजर आ रहे हैं, हेयर से नजर आ रहे हैं इसके, इसको बोलेंगे हम सीलिया। क्या बोलेंगे, इसको सीलिया बोलेंगे। और ये क्या चीज है, फ्लैजिला है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, तो कैसे लिखेंगे, सम सेल्स हैव स्मॉल एक्सटेंशन ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, दीज आर कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजिला। सिमिलैरिटी क्या है, दे बोथ हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। इनका काम क्या होता है, इसके लिए, जैसे मान लो युगलीना है, युगलीना के लिए फूड इकट्ठा करना और युगलीना को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मदद करना, लोकोमोशन में मदद करना, मूवमेंट में मदद करना, ऐसी ये चीज है। ऐसी ये भी, इसमें भी पैरामीशियम में भी इनका काम भी यही है, फूड इकट्ठा करना, ठीक है, सेल के लिए फूड इकट्ठा करना और क्या करना भाई, मूवमेंट करने के लिए उसकी मदद करना, ठीक है। अब इन दोनों में एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिससिमिलैरिटी बतानी है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है, दे बोथ हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। ये दोनों ही सीलिया और फ्लैजिला दोनों किस में मदद करते हैं, लोकोमोशन में और कलेक्शन ऑफ फूड में सेल की मदद करते हैं। और डिससिमिलैरिटी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम हैव न्यूमरियस सीलिया, इसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं। देखो सीलिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीलिया आर न्यूमरियस इन नंबर। सीलिया क्या होती है, नंबर ऑफ सीलिया आर मोर देन नंबर ऑफ फ्लैजिला। और फ्लैजिला क्या होती है, एज कंपेयर टू फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं, 1 से लेके 8-10 तक इतनी होती हैं बस। और ये तो देखो कितनी सारी हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम हैव न्यूमरियस, न्यूमरियस का मतलब बहुत सारी सीलिया होती हैं, देखो बहुत सारी है ना, बहुत सारे, ठीक है। और सिंगल सेल और दूसरे में क्या होता है, और वाइल युगलीना हैज सिंगल फ्लैजिलम, और युगलीना में, युगलीना में क्या होता है भाई, सिंगल ही होता है, ठीक है। और आप एक ये भी ले सकते हैं कि भाई ये किस इस टाइप होता है, ये थ्रेड लाइक होता है, ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हेयर लाइक होते हैं, ये बाल की तरह होते हैं और ये धागे की तरह होते हैं। ये भी आप एक डिसिमिलैरिटी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दे आर लॉन्ग दे आर शॉर्ट, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट में 7th क्वेश्चन है, इफ अनियन पील सेल्स एंड चीक सेल्स आर ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, स्टेट द टू मेजर डिफरेंसेज दैट द ऑब्जर्वर इज लाइकली टू फाइंड। अगर हम दो लेते हैं, क्या क्या लिया हमने, हमने दो चीजें ली हैं, एक तो ली है हमने अनियन पील ली है, और दूसरी ली है चीक पील, यानी कि जो हमारे गाल के अंदर जो होती है वो ली है, दोनों पील ली है। अब हमने माइक्रोस्कोप में देखना है तो क्या चीज हमें उसकी पता चलेगी। इफ अनियन पील सेल्स एंड चीक सेल्स आर
ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप से देखें उसको, द टू मेजर डिफरेंसेस दैट द ऑब्जर्वर इज लाइकली टू फाइंड आउट, क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, हम इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा। अभी बताते हैं आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। कंपोनेंट लिख दिया, करैक्टर लिख दिया, अनियन पील लिख दिया और चीक पील लिख दिया, ठीक है। अनियन में देखेंगे, प्याज में देखेंगे तो इसकी क्या आएगी, फिक्स्ड आएगी, ठीक है। इसकी शेप क्या आएगी, फिक्स्ड आएगी, और चीक सेल की जो शेप होगी वो क्या होगी, इररेगुलर होगी, क्योंकि ये एनिमल सेल है और ये क्या है, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में फिक्स्ड होती है और जो एनिमल सेल में जो शेप होती है वो क्या होती है, इररेगुलर होती है। और जो सेल वॉल, अब सेल वॉल की बात करेंगे, अनियन सेल में सेल वॉल हमें मिलेगी, प्रेजेंट होएगी, और चीक सेल में क्या होएगी, एब्सेंट होएगी, ठीक है। और आप एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं, जब आप अनियन सेल को देखोगे, अनियन सेल को देखोगे तो वो लगेगी भाई ब्रिक टाइप, ब्रिक यानी कि ईंट की तरह दिखेगी, वो ईंट की तरह दिखेगी। और जो आप उसको देखोगे, चीक सेल को देखोगे तो वो सर्कुलर होगी, गोल गोल होगी ऐसे, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, दीज सेल्स आर ब्रिक टाइप और दीज आर सर्कुलर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। हमने बताना है कि स्किन क्या है, फैट सेल क्या है, आरबीसी क्या है, ब्लड क्या है, ईयर क्या है, मसल क्या है, ठीक है। इन सबको बताना है कि ये सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है। तो सेल क्या है, फैट सेल, सेल है, और आरबीसी ये भी क्या है, रेड ब्लड, इसको इसके अगर फुल फॉर्म करें तो क्या आएगा, रेड ब्लड सेल, ये भी सेल है। टिश्यू क्या है, टिश्यू में आ जाएगा ब्लड और मसल, ठीक है। और ऑर्गन में क्या आ जाएगा, ऑर्गन क्या है, अंग क्या है हमारे, ऑर्गन है स्किन और ईयर, स्किन और ईयर क्या है हमारे, ऑर्गन है। तो ये हमारा डी पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।